लगातार इस बात को लेकर के प्रचार में लगी हुई है कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। पिछले दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जब थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की गई, जो लागत मूल्य से बहुत ज़्यादा कम थी, तब भी बहुत घिनौना पीटा इन्होंने। ये कहा कि हमने किसान की फसल के दाम बढ़ा दिए, अखबारों में ऐड दी, सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया, अपनी फोट में लगवाई। आज किसान जब लगातार 4-4.5 साल से इन लोगों ने धान की फसल में लूट लिया, धान के साथ साथ बाजरे में, सरसों में, नरमे और कपास में सरकारी खरीद करने की बजाय सस्ते में बेचने पर मजबूर कर दिया। अब सरसों मंडी में आई हुई है और सरसों का समर्थन मूल्य जो है वो 4200 रुपये पर क्विंटल है। आप मंडी में जाकर के इस बात की अभी इंक्वायरी कर सकते हो कि किसान को 4200 की बजाय 3200 रुपये क्विंटल मिल रहा है, 1000 रुपया क्विंटल का आज किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावे किए थे इस बात के कि हम सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे और उसी सरसों से तेल निकलवा करके गरीब लोगों को 2-2 लीटर सरसों का तेल हर महीने देंगे। ना तो गरीब को तेल दिया और ना किसान को उसका पूरा समर्थन मूल्य दिया। केवल अखबार में किसान का नाम लेकर के किसान को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। लगातार 4.5 साल में, 5 साल में केंद्र की सरकार ने योजना बनाई कि किसान को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। जहां आर्थिक रूप से कमजोर किया, वहीं किसान को सामाजिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश इस सरकार ने करी। अब उस किसान को राजनीतिक रूप से भी मारना चाहते हैं और एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगा दिया, दूसरी तरफ रोजाना भ्रष्टाचार को लेकर के एक से एक बड़े घोटाले सरकार कर रही है। मैं बहुत जल्दी अगले 3-4 रोज में सरकार का एक बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का इशू जो है लोगों के बीच में लेकर के जाऊंगा, आपके माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से जो अपने ऊपर ठप्पे मारते हैं इस बात के भी हमारे से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा बड़ा बेईमान भी कोई नहीं है। जो मैं हेल्थ वाला इशू लेकर के आऊँगा उसमें बहुत चौंकाने वाली बात है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो कचरा होता है, चाहे वो सिरिंज है, चाहे वो और दूसरी कोई डिब्बे हैं किसी दवाई के, जो कचरे के रूप में है, जिसको डिस्ट्रॉय करने की बात कही जाती है, एक इंजेक्शन को 2 दफ़ा यूज नहीं कर सकते, उसको रिसाइकिल करके ही या नया बना करके मार्केट में लाया जा सकता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल में सामान ऐसा है जो डिस्पोजेबल होता है और उसके टेंडर होते हैं सरकार की तरफ से, किस डिस्पोजल को उठा करके आप डिस्ट्रॉय करके आओ और डिस्ट्रॉय करने के नाम के ऊपर टेंडर दे करके एजेंसियों को पैसा दिया जाता है। मेरे पास वो वीडियो हैं जिनमें उनको डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसको थोक के भाव बेचा जा रहा है और ये 100% सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। उसमें जो टेंडर में जो पैसे, ये सारी बातें मैं अगले दो तीन दिन में चंडीगढ़ जाऊंगा, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ाया है इस बात को उजागर करूँगा।
वहीं लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। जो लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टूट गई, पार्टी कमजोर होगी, बड़ी हैरानी की बात है। जो अपने आप को ताकतवर मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम 10 की 10 सीट जीत करके आएंगे, उन्होंने अपने इलेक्शन का शुभारंभ फरीदाबाद से किया, फरीदाबाद के भी पिरथला में किया, और पिरथला के अंदर जब कलराज मिश्र और कृष्णपाल गुजर गए तो लोगों के बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों को लोगों ने बोलने नहीं दिया, दोनों को बिना अपनी बात कहे मंच छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा इन्होंने इलेक्शन का एक कार्यक्रम जो है चिड़ियाघाम में रखा, भिवाणी में, और उस चिड़ियाघाम में जो बाडड़ा हल्के का गांव है उसमें लोकल MLA जो BJP का है बाडड़ा से वो भी था, और जो सांसद है धर्मवीर वो भी था। उस चिड़ियाघाम में भी लोगों ने विरोध किया, विरोध करने के साथ साथ यहाँ तक नौबत आ गई थी कि दोनों के लोग कपड़े उतारू हो गए, वहाँ से भी चिड़िया बनकर के फुर होना पड़ा, वहाँ से भी भागना पड़ा, वहाँ पे भी लोगों ने बोलने नहीं दिया। आज किस तरह से इनका विरोध है, ये विरोध सिर्फ इस बात का है कि इन्होंने 4.5 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके साथ खड़े हो सके। लोगों को केवल और केवल इन्होंने जज्बे दिखाए, गुमराह किया, झूठ बोला, और झूठ बोल करके अपनी जेब भरने का काम किया। कोई डिपार्टमेंट आज ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं है। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इंक्वायरी हो जाए तो 100% हर मंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में फंस करके खड़ा हो जाएगा। वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगातार इस बात को लेकर के प्रचार कर रहे हैं कि अब तो हमारा ही नंबर लगेगा, अब तो हम ही जीत करके आए। उस कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी है कि गुलाम नबी आजाद को जो हरियाणा का प्रभारी है, जिसके पास 1 मिनट का समय नहीं होता, जो इनके राष्ट्रीय महासचिव है, इलेक्शन का वक्त है, बहुत सारा काम इलेक्शन को लेकर के अलग अलग स्टेटों में कौन कैंडिडेट बने, क्या हो, इन सब चीज़ों पे बहुत चर्चाएं करनी पड़ती, लेकिन उसको भी मजबूर होकर के बस की खिड़की के पास आकर के खड़ा होना पड़ता। कहते हम एक हैं, आज कुलदीप का बयान है, उसने साफ कहा है कि मैं इनके साथ बस में चढ़ करके जा करके कहीं अपना भाषण नहीं दूंगा, मैं जहाँ राहुल जाएगा मैं वहीं जाऊंगा। तो एकता तो पाट गई, और किस तरह से उस बस के अंदर आपने देखिए हर बस के 2 दरवाजे होते हैं, पिछले दरवाजे के ताला मार रखा है, और ताला लगा करके अगले दरवाजे पे स्वयं खड़े हो जाते हैं गुलाम नबी आजाद में, और फिर एक एक को भेड़ बकरियों की तरह उसके अंदर ठूंसते हैं, उनकी गिनती करते हैं, उनकी हाजिरी लगाते हैं, और जब वो सारे बैठ जाते हैं तो फिर प्रेस के साथियों को बुला करके कहते हैं इनकी फोटो खींच लेते हैं, और फिर वो अखबार में फोटो लगाते हैं कि हम सब प्रचार पे जा रहे हैं। जैसे किसी टॉपिक पे रुकती है बस, फिर बिखर जाते हैं, फिर इनको पकड़ पकड़ के लाके बैठाते हैं, इसलिए तो रात के 2-2 बज जाते हैं। जो हमारे पे उंगली उठाने वाले हैं, जो हमें कमजोर करने वाले हैं, 100% इस लोकसभा के चुनाव जब नतीजे आएंगे तो इन लोगों की लोग तसल्ली करा देंगे। पहले तो ये 2 पार्टियां थी जो हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ करके
अपने आप को राजनीति के बड़े खिलाड़ी मानते थे। अब एक और नई पार्टी बन गई, उसका काम भी केवल एक ही इशारा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को किसी तरह से तोड़ा जाए, उनके पास भी विचारों पे कोई दूसरा काम नहीं बचा। वो भी सारा दिन हाथ में चप्पल लेकर के और इस काम लगे हुए, लेकिन 100% इस तीसरी पार्टी के लोगों का इलाज भी लोग इन्हीं की चप्पल से कर देंगे। ये जो हमारे विधायक तोड़ करके अपने साथ ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे, मुझे लगता आने वाले 2-4 दिन में इनके साथ एक भी विधायक नहीं रहेगा, सारे के सारे अलग अलग पार्टियों में चले जाएंगे। कल राहुल गांधी आए थे हरियाणा में, क्या लगता है उनके दौरे का कोई असर होगा? राहुल गांधी के आने से अगर कोई हरियाणा में फर्क पड़ता तो राहुल गांधी तो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से हरियाणा 10 किलोमीटर पे है, फिर तो रोज एक चक्कर लगा जाता। ना राहुल के आने से कोई फर्क पड़ेगा, ना कोई सोनिया जी के आने से पड़ेगा। इन्होंने 10 साल में जो लूट मचाई है, लोग उसको भूल नहीं सकते। किस तरह से किसान को इन्होंने उसकी बेशम कीमती जमीन छीन करके उजाड़ने का काम किया, आज उसी का खामियाजा है कि कोर्टों के चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे खिलाफ तो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, षड्यंत्र रचे गए, और अब सारे के सारे सब हम फंसे हुए, सब के सब सजा होंगे, सब के सब जेल जाएंगे। इन दिनों में मतलब जो स्थिति अब हो रही है, वैसे 1987-1982 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी पार्टी सशक्त रूप में उभर के आगे और सत्ता में आई थी। इस बार क्या रणनीति अपनाई जाएगी? पहले आई तो क्या आपको लगता नहीं कि अब भी सत्ता में आएगी? वही तो, रणनीति क्या अपनाई जाएगी? सत्ता में आएगी, चुनाव आएगा जैसे जैसे नजदीक, हम अपनी सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। आप ये देखो, ये एक ऐसी सरकार है जो हर वर्ग के लोगों को परेशान करती है। बाजार के अंदर आज जो पीने का पानी आता, वो पानी तो आपको शुद्ध नहीं मिलता। उस पानी को अगर आप पी लो बिना फिल्टर किए हुए, तो उससे 100 बीमारियां पैदा होती हैं। मेरे घर में उसी टैप वाटर का पानी आता है, वाटर वर्क्स का। आपको मैं पानी मंगवा के देता हूँ, एक गिलास में पानी ले, नलके वाला लेना, उस फिल्टर का मत लेना। आप उस पानी को देखोगे, उसमें स्मेल है, और स्मेल है तो 100% उसके साथ बीमारी भी है। पानी तो अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और पानी के भाव 10 गुना बढ़ा दिए पीने के पानी की। होना तो ये चाहिए कि आप आरओ का पानी लोगों को दो, आप स्वच्छ जल दो, जिससे बीमारियां कम हो, पानी से बीमारी से बचा जा सके, ऐसा पानी मुहैया कराओ। और सरकार पैसा लेकर के पानी देती है, और वो पानी भी ऐसा देती है जिसके 10 गुना भाव बढ़ा दिए, और पानी पिए तो आदमी बीमार हो जाते हैं। जहाँ पानी के रेट बढ़ाए, वहीं आप ये देखो कि अगर आपका खाली प्लॉट पड़ा है, आपने 50 साल पहले वो खरीदा है, उसके ऊपर भी, प्लॉट के ऊपर भी, खाली पे भी सरकार जो है कमर्शियल चार्जेज लगाती है, उसका पैसा लेती है। आपकी अपनी जो जगह है जिससे आप कोई कमाई नहीं कर रहे हो, उस पर आप किस चीज़ का टैक्स दे? अब तो जहाँ के पशुओं के बाड़े हैं, जो कोई म्यूनिसिपल एरिया में आ गया, नगर परिषद के एरिया में आ गया, उनसे भी वसूली करने लगे। सरकार का काम वसूली करना नहीं, सरकार का काम सुविधाएं देना है। इन्हें लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा क्या क्या मुद्दे रहेंगे? अभी आपके सामने मैं बता के गया हूँ कि कैसे किसान को कमजोर किया है,
किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो। हमने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी, इनको किसी एक को कह इसको मेल करके देखो आपको पता लगेगा पानी का, इसी को दे पीना तो है नहीं ले इसको पीना बस सूं तो ले इसको स्मेल करके देख सही सही बताई क्या इसमें बदबू है कि नहीं है, इनको भी दिखा किसी और को भी। और कहीं यूं ना सोच लियो कि एक गिलास कोई दूसरी जगह से भर के लाए, तुम्हारे में से कोई खड़ा होकर जाके बाथरूम में जो टैप लगी हो उसमें पानी देख चेक कर लो। इनेलो के उम्मीदवार कब तक ऐलान कर दिया जाएगा? 15 तारीख को। भाई साहब, जो स्पीकर ने फैसला दिया है क्या उसका राजनीतिकरण हुआ है? स्पीकर के फैसले का क्या राजनीतिकरण है? स्पीकर के पास कोई चारा नहीं, अगर कोई रिजाइन करेगा तो स्पीकर को उसका रिजाइन मंजूर करना पड़ेगा। हमने जिन चार लोगों के खिलाफ लिख करके दिया है 100% अगर स्पीकर निष्पक्ष होकर अपना फैसला देगा तो ये चारों के चारों नहीं, ये 6 के 6 डिसक्वालीफाई, उनका इस्तीफा मंजूर करने की बजाय स्पीकर को उनको डिसक्वालीफाई करना चाहिए। चप्पल को लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही है, चप्पल को लेकर बड़ी बड़ी बातें बना रही है, कोई आ रही बातें कि खड़ा हो भी है देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल ने अपनी जिंदगी में कभी चप्पल पहनी नहीं, तने चौधरी देवीलाल को कभी देखा भी नहीं, देखा कभी चप्पल देखी उनके पैरों में? हमने ये सुना था कि जो उग्रवादी होते थे पंजाब में उग्रवाद के वक्त, जिनको पुलिस पकड़ लेती थी पूछताछ करने के बाद जब उनको सबको सब बजाय जेलों में बंद करने के उनको मारते थे तो कहते थे हम चप्पल पहने, चप्पल पहना के फिर कहते दौड़ो, और वो दौड़ते थे वो पीछे गोलियां मारते। ये तो हमने तुम्हारी लिखी हुई कलमों से सुनी है, अखबारों में आता था, टीवी में चलता था, बोले फलाने ने चप्पल पहनाती फलाने ने पहनाती। सब इस बार क्या समीकरण देंगे जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट मिलेगी या कटेगी या कैसे समीकरण देंगे? ये बात मैं तेरे को बता दूंगा तो फिर भारत नहीं ला सकती। प्रदेश करके युवा हमारा एक फैसला है, हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे और 2 युवा चेहरे इस लोकसभा के चुनाव में उतारेंगे। हम युवाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे राजनीति। चौधरी देवीलाल ने हमेशा युवाओं को आगे लाने का काम किया, काला साहब ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया और आज चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ा करके फिर युवाओं को जिम्मेवारी देंगे। जहाँ युवाओं को जिम्मेवारी देंगे वहीं महिलाओं को भी 33% आरक्षण कहीं मिला नहीं, लेकिन हमारी पार्टी लगातार महिलाओं को 33% को टिकट लोकसभा और विधानसभा की देती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐलान कर गए थे कि अशोक तंवर सिरसा से प्रत्याशी होंगे। अशोक तंवर के लिए क्या गए हुड्डा? हुड्डा की चलती तो तंवर प्रत्याशी नहीं हो सकता। ये तो फिर मान के चलो हुड्डा के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। हुड्डा को और तंवर को दोनों को बस में आधा घंटा अकेले छोड़ दे तो 100% मुकदमा दर्ज हो जाए। धन्यवाद।